वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कहाँ का व्लॉग लेकर आई हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको कि आज हम लोग देखने वाले हैं इंदौर का बहुत ही प्रसिद्ध बिजासन माता जी का मंदिर। बिजासन माता जी के मंदिर लेके आई हूँ आज मैं आप लोगों को। अभी मैंने आपको साइड व्यू दिखाया था पहले, अब ये फ्रंट से जो मंदिर है, ये मंदिर का ये व्यू है, ये माता के दर्शन हो रहे, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें माता के। और माता जी के दर्शन करने के बाद में अभी मैंने ये साइड में से जो कालका माता की आरती चल रही थी उसी टाइम पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आरती का भी ले लेती हूँ शूट, आप लोगों को बताती हूँ। तो बहुत ही आनंद आया कालका माता की आरती में। थोड़ी देर में आरती में खड़ी रही और उसके बाद में फिर हम आगे जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और अलग अलग देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं। मेन मंदिर तो बिजासन माता का है उसके साथ, और ये मंदिर है अलग अलग कालका माता का और भैरव जी का, और अलग अलग मंदिर बने हैं। तो मैं सोचा आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो ये एक एक मंदिर आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ ऊपर नाम भी लिखे हुए सबके। चैतन्य भैरव बाबा का मंदिर है, और अभी नाइट का टाइम है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अब ये आगे महालक्ष्मी माता का मंदिर है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और दर्शन करते जा रहे हैं। सारे मंदिर के बाहर दान पात्र भी लगे हुए अलग अलग। ये साईं बाबा का मंदिर है, कुछ मंदिरों के बाहर पुजारी जी भी हैं और कुछ के बाहर नहीं है बैठे हुए। ये दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से देवता आते हैं हमारे समक्ष। अब ये भोलेनाथ जी आ गए हैं, भोलेनाथ पार्वती का मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ बैठे हैं पुजारी जी। अब ये संतोषी माता का मंदिर आ गया है, संतोष की देवी माता संतोषी, जय हो माँ संतोषी की। ये लास्ट मंदिर आ गया है हमारा बजरंगबली का। अब हम थोड़ा आगे आके खड़े हो गए, वो मंदिर का व्यू देख रहे हैं इवनिंग टाइम में, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और ये हमने टीका लगवाया था ओम का। आगे बैठ गए ना। हाँ मैंने सोचा कि चारों तरफ कैमरा घुमा के एक बार आपको व्यू दिखा देती हूँ कि नाइट में कैसा व्यू दिखाई देता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, कितना प्यारा कितना सुंदर नज़ारा है माँ के दरबार का। माँ के दरबार की बात ही कुछ निराली है। बिजासन माता का मंदिर सालों से हम आ रहे हैं, पर कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है मंदिर में, और बहुत ही अच्छा हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है मंदिर में। अब हम बाहर मुख्य द्वार की तरफ आ गए हैं, बहुत सारी दुकानें भी लगी है चुनरी की और प्रसाद फूलमाला के आसपास। ये मुख्य द्वार से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, लिखा है श्री बिजासन माता मंदिर। बहुत सारे यहाँ पर बैनर वगैरह लगे हुए हैं, और ये
काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, आपको बहुत सारी शॉप देखने को मिल जाएगी। माता जी की चुनरी, प्रसाद और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, माता जी की फ़ोटो से रिलेटेड, और बाहर की तरफ तो ये खाने पीने की भी बहुत सारी शॉप्स है। यहाँ बिजासन माता मंदिर में ये भेल बहुत फेमस है। मंदिर के थोड़े आगे ये शॉप है, तो हम लोग यहाँ भेल इंजॉय करने के लिए रुके हैं। ये मेरा भाई भेल ले रहा है, भैया बना रहे हैं मस्त मस्त भेल हमारे लिए। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो ये काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पर हैं, इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह भी है, बिजासन माता की छोटी छोटी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी हैं यहाँ, और बच्चों के टॉयज़ वगैरह। तो सोना तो टॉयज़ के लिए जिद करता है, तो उसके लिए रुके हैं हम यहाँ पर। ये दिला दी करो, तोड़ दिया उसमें, इसमें दूसरे खाने आते हैं। बड़ी वाली गन चाहिए, तोड़ दी है। अरे मुझे बड़ी वाली गन चाहिए, बड़ी वाली गन चाहिए, बड़ी वाली गन चाहिए। गन बना भी कुछ नहीं। हाँ हाँ ये रुक रुक रोना बंद कर तू पहले। यार ये अरे वो रिमोट कंट्रोल वाली कार थी ना, रिमोट। मुझे यार आप बदल देते हो यार, देखिए मुझे बड़ी वाली बॉयस वाली गन चाहिए। अरे वो क्या दे तो फाइनली सोना ने अपना ये डिसाइड कर लिया है, डॉक्टर किट लिया है ये सोना ने। कार और इसमें कंफ्यूज था वो, तो उसने ये फाइनल किया है। कितने दिन टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब मैंने सोचा कि यार एक माताजी की फ्रेम में भी ले लेती हूँ, छोटी थी याद के तौर पे बिजासन माता की। मेरे घर में वैसे ही माता जी की फ़ोटो नहीं थी, तो मैंने कहा एक माता जी की छोटी सी फ़ोटो तो होनी ही चाहिए। तो मैं बस यही देख रही थी, यहाँ सभी भगवानों की बहुत अच्छी अच्छी फ्रेम्स हैं। अब मंदिर से निकलने के बाद और ढेर सारी दुकानों से गुजरने के बाद ये छोटा सा गार्डन आ जाता है यहाँ पर। इंदौर लगाएगा स्वच्छता का छक्का भाई। साफ़ सफाई के मामले में तो इंदौर नंबर वन है, सब लोग जानते हैं। अब ये गार्डन में आप देख रहे हैं लोगों ने बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ लोग मोस्टली या तो गप्पे शप्पे लड़ाने आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के, और या तो एरोप्लेन देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है, तो प्लेन की उड़ान काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है यहाँ, और एयरपोर्ट पे लैंडिंग वगैरह भी दिख जाती है। तो लोग इसी इंतज़ार में आके यहाँ पर खड़े रहते हैं कि कब प्लेन उड़ेगा, हम देखेंगे कब प्लेन लैंड करेगा। तो हमने कहा थोड़ी देर यहाँ पर हम भी चिल आउट करते हैं, और हम लोग आ गए हैं। मैं यहाँ चारों तरफ शूट करके आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई है दीवारों पे, और क्लीनिंग का तो क्या ही कहना, बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पे, और बहुत अच्छा नज़ारा है। आप देखिए यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिखता है, लाइटिंग से लाइटिंग नाइट के टाइम पे। ऊपर की साइड मैंने ये किया है फोकस कैमरे का, ये आपको दिख रहा होगा प्लेन जाता हुआ, एकदम लाइट दिख रही है, बस हल्की सी लाइट ही नज़र आती है, और फिर लैंड होते टाइम दिखेगा थोड़ा सा प्रॉपर।
इतना छोटा इतना छोटा। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ किस तरह से लोग प्लेन का इंतजार करते हैं और कितने एक्साइटेड है प्लेन देखने के लिए। फिलहाल तो सब लोग फ्लाइट की लैंडिंग के लिए वेट कर रहे हैं, बस एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला है। ये दिख रहा होगा आपको पीछे ध्यान से देखेंगे तो बस उसी के इंतज़ार में सब लोग देख रहे हैं ध्यान से। सोना भी अपने पापा के साथ देख रहा है। इनके जोश को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अगली फ्लाइट भी देखकर ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।